हे एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या विंटेल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एज ए एक्टिव आईटी इंजीनियर के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी के केस में इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर पॉइंट जस्ट वॉन्टेड टू एड, दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से 100% आएगा इंटरव्यू के केस में। कोई भी इंटरव्यूअर होगा इसमें से, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से दो क्वेश्चन तो 100% पुट अप करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीएनएस मैनेजमेंट, वन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स कि डीएनएस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से डीएनएस काम करता है, टाइप्स ऑफ डीएनएस क्या होते हैं, रिकेट्स क्या होते हैं, जोन्स क्या होते हैं, फॉरवर्डेड क्या होते हैं। हर एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। बट उसके पहले, अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे, या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड की, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल भी वीडियो प्रोवाइड करता है। स्क्रीन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट कॉन्सेप्ट। एजेंडा मैं बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो का क्या 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 टॉपिक है, क्या एजेंडा हमने डिसाइड किया है, इसमें क्या क्या बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एजेंडे की, कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेस से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट इज डीएनएस। ठीक है, पहले हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में, देन अबाउट कॉन्फिगर डीएनएस, किस तरीके से डीएनएस को कॉन्फिगर किया जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनएस जोन्स, डीएनएस जोन्स के बारे में बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट डीएनएस रिकेट, एंड विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनएस रिकेट हो गया, डीएनएस क्वेरी के बारे में बात करेंगे कि डीएनएस की क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं। नंबर नेक्स्ट, डीएनएस कमांड, राइट, जो कमांड्स हमारी हेल्प करती हैं टू ट्रबल शूट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रबल शूट द डीएनएस रिलेटेड एक्टिविटी। ये हो गया एजेंडा। 6 पॉइंट में हमने इसको कैटेगराइज किया है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी है कि हमें ये सभी पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस से। पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनएस। तो व्हाट इज डीएनएस की बात करें, एज पर द नेम सजेस्ट इट्स अ सर्विस। यस, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ सर्विस यूज टू रिजॉल्व द नेम। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली नेम रेजोल्यूशन के लिए हम करते हैं। इसका हम जो इस्तेमाल करते हैं वो नेम रेजोल्यूशन के लिए करते हैं। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहां पे डीएनएस के बारे में बात कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल ये अपने पास सिस्टम है, कुछ सिस्टम्स लगे हैं। जब भी आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं, जब भी आप इसमें ओएस इंस्टॉल करते हैं, तो एक तो रहता है इसका आईपी एड्रेस, या तो मैनुअल आप परफॉर्म करेंगे इसमें, या फिर ऑटोमेटिक आपको डीएससीपी के थ्रू आईपी मिल जाएगा 192.168.1.10 और 192.168.1.20। ठीक है, इसका जो नेम है वो है एचआरपीसी, और दूसरे कंप्यूटर का नेम है सेल्स पीसी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने मेंशन कर दिया। अब यूसेज क्या होता है डीएनएस का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये क्या करता है, आईपी को नेम में ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, और नेम को आईपी में, वाइस वर्सा, आईपी को नेम में, आईपी टू नेम कन्वर्जन, और अगेन नेम टू आईपी एड्रेस, वाइस वर्सा। इसका बेनिफिट ये है, आज के डेट में जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, याहू मेल हो गया, जीमेल हो गया, गूगल हो गया, जितनी भी वेबसाइट्स आप ओपन करते हो, आप यूआरएल टाइप करते हो, आप वेबसाइट का नाम टाइप करते हो, ना कि उसकी आईपी एड्रेस। डीएनएस क्या करता है, उस नेम को, क्योंकि सिस्टम तो आपका आईपी एड्रेस समझता है, उसको नेम नहीं मालूम है, डीएनएस उसको इन्फॉर्म करता है कि ये जो डीएनएस है इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे एसोसिएटेड है। राइट, नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम कन्वर्जन की एक्टिविटी डीएनएस के थ्रू परफॉर्म होती है। प्राइवेट डीएनएस भी होता है, पब्लिक डीएनएस भी होता है। प्राइवेट जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने नेम रेजोल्यूशन के लिए तैयार किया है,
पब्लिक डीएनएस की बात करें, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को उसकी आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस अगर आपको चेक करना है तो वेबसाइट को अपने एनएस लुकअप कमांड के थ्रू आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं. सो वी कैन से दैट द डीएनएस रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू द नेम टू आईपी एंड आईपी टू द नेम. ये हो गई बात हमारे पास किसकी, पहले स्टेप की. दूसरा है कॉन्फिगर डीएनएस. कॉन्फिगर डीएनएस के केस में जब आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हो, जब आप एडी इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसमें डीएनएस ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, और जिसकी हेल्प से आप अपने एनवायरमेंट में चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चीजों को नेम रिजॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनएस का. द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड नो अबाउट डीएनएस जोन्स. यस, वी शुड नो अबाउट द डीएनएस जोन्स, कि डीएनएस जोन कौन कौन से होते हैं. दो तरीके के जोन होते हैं. एक होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन, ठीक है, और दूसरा है अपने पास रिवर्स लुकअप जोन. ठीक है, दो तरीके के जोन में कैटेगराइज किया गया है, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड लुकअप जोन, ये क्या करता है, फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है आपके आईपी को, सॉरी नेम को, मीन जो भी डिवाइस है, जो भी सिस्टम आपने लगा रखा है, नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है. और रिवर्स लुकअप जोन की बात करें तो ये वाइस वर्सा, आईपी एड्रेस को नेम में, नेम टू आईपी फॉरवर्ड लुकअप जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और रिवर्स लुकअप जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपी एड्रेस टू नेम. डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं इसमें, अगर हम बात करें तो अलग अलग पॉइंट हमें आने चाहिए. लाइक वी आर एबल टू फाइंड प्राइमरी जोन, वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट सेकेंडरी जोन, और यहां पे एक होता है स्टब जोन. मतलब जब आप फॉरवर्ड लुकअप जोन या रिवर्स लुकअप जोन तैयार करते हो ना, तो उसमें तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे. प्राइमरी जोन मिलेगा, सेकेंडरी जोन मिलेगा और स्टब जोन मिलेगा. सेम ऑप्शन आपको मिलेगा कहां पे, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दोनों में. प्राइमरी जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर आपने रिकेट बनाए हैं मैनुअली, वो रिकेट सिर्फ उसी में स्टोर होंगे. सेकेंडरी जोन की बात होगी जब आपके पास मल्टीपल डीसी है, डीसी वन, डीसी टू, डीसी थ्री, और आपने सेकेंडरी जोन में किसी डिवाइस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, किसी डिवाइस की इंफॉर्मेशन को उसमें सेटअप किया, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके जो सर्वर्स हैं, बाकी के डीसीज हैं, उसमें भी एक कॉपी स्टोर की जाएगी. स्टब जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट एनएस, मींस नेम सर्वर, और एसओए स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, मींस जो हमारा मेन डोमेन है उसकी इंफॉर्मेशन, और जो हमारा नंबर ऑफ डोमेन्स है, नंबर ऑफ सर्वर्स लगे हैं, लाइक एनएस नेम सर्वर्स जो लगे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करता है. उम्मीद है आपको डीएनएस जोन समझ में आ गया होगा. अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट इज डीएनएस जोन, तो आप उसको डायरेक्टली गाइड करेंगे. फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन दो अलग अलग तरीके के जोन्स रहते हैं, जिनकी हेल्प से हम नेम को रिजॉल्व करने का काम करते हैं. उम्मीद है क्लियर होगा डाउट. अब आते हैं वन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस रिकेट्स. मल्टीपल रिकेट्स आर अवेलेबल, जैसे कि ए रिकेट, फोर टाइम ए रिकेट, एमएक्स रिकेट यू कैन फाइंड, सी नेम रिकेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनएस रिकेट मिल जाएगा, आपको एसओए रिकेट मिल जाएगा, आपको पीटीआर मिल जाएगा. ठीक है, ये आपके पास हो गए कॉमन रिकेट के टाइप. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज रिकेट्स. ए रिकेट क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन IPv4 बेस्ड कंप्यूटर्स. अगर अपने एनवायरमेंट में IPv4 बेस्ड मशीन है, तो उनकी इंफॉर्मेशन ए रिकेट में रखा जाएगा. फोर टाइम ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर अपने पास IPv6 बेस्ड कंप्यूटर हैं, तो उस केस में क्या होगा, या डिवाइस इज नॉट मैंडेटरी टू कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस है जो IPv6 को कंटेन कर रखे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, शेयर होगी किसके साथ, फोर टाइम ए रिकेट के साथ. एमएक्स रिकेट होता है मेल एक्सचेंजर, ठीक है,
एमएक्स रिकैट क्या होता है? मेल एक्सचेंजर. इट इज अप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज सर्वर. अगर आपके पास ऑन प्रमाइसिस में एक्सचेंज सर्वर आपने एस्टेब्लिश कर रखा है मेलिंग सर्विसेज के लिए, देन एमएक्स रिकैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेम कन्वेंशन. इसका काम होता है एलियस के लिए, मतलब डुप्लीकेट नेम. अगर आपको डुप्लीकेट नेम यानी अलग नेम डिसाइड करना है किसी भी मेल का, तो आप एलियस कॉन्फ़िगर करते हैं जो आप टेम्परेरी बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज नेम सर्वर. जो आपके इन्वायरमेंट में जितने भी सर्वर हैं, लाइक पीडीसी है, सीडीसी है या एडीसी है, जितने भी सर्वर्स आप इस्टेब्लिश करेंगे उनकी इंफॉर्मेशन एरिकेट के साथ साथ नेम सर्वर में भी स्टोर होती है. SOA बेसिकली स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, द मीनिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू द यू कैन से दैट द स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द एक्टिविटी रिलेटेड टू अवर मेन सर्वर या फिर प्राइमरी सर्वर बोल सकते हैं. PTR क्या होता है? इट्स अ पॉइंटर रिकॉर्ड. द मीनिंग ऑफ पॉइंटर रिकॉर्ड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट नेम टू IP एंड IP टू द नेम. जिसको पॉइंटर रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं. उम्मीद है यहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, सो बी प्रिपेयर. और कोशिश करना है आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपको रिप्लाई देना है ताकि मीन्स हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके. लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. लास्ट टॉपिक है अपने पास विच इज को रिलेटेड टू द DNS क्वेरी. अगला जो पॉइंट है वो है DNS क्वेरी. दो पार्ट में कैटेगराइज की गया है DNS क्वेरी को. एक है इटरेटिव क्वेरी और दूसरा है रिकर्सिव क्वेरी. ठीक है, इटरेटिव क्वेरी के केस में क्या होता है? मान लीजिए आपने मल्टीपल सर्वर्स लगा रखे हैं. ठीक है, ये अपने पास मल्टीपल सर्वर DNS सर्वर आपने एस्टैब्लिश कर रखे हैं. एक क्लाइंट है जो अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करना चाहता है. क्लाइंट ने आपसे रिक्वेस्ट की क्वेरी को. अगर ये आपकी क्वेरी जो क्लाइंट ने जनरेट की है, ठीक है, वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाती है, सेम मशीन ने इस क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया, वो आपका इटरेटिव क्वेरी कहलाएगा. सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करते हैं. ये अपने पास सर्वर्स हो गए. अगेन क्लाइंट ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया, क्वेरी एक जनरेट की टू लास्ट सर्वर. इसने क्वेरी जनरेट की. अगर ये सर्वर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व नहीं किया और आपके रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे सर्वर को, ये आपकी रिकर्सिव क्वेरी कहलाएगी. उम्मीद है समझ में आ गया होगा. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक? ग्रेट. लास्ट कुछ कमांड्स हैं जो हमें आनी चाहिए. NS lookup, ipconfig /flushdns, ipconfig /registerdns. ठीक है, NS lookup क्या होता है? चेक द नेम रेजोल्यूशन. इसको हम करते हैं किसके लिए? चेक नेम रेजोल्यूशन. अगर आपको किसी सिस्टम की आईपी एड्रेस निकालनी है तो NS lookup स्पेस उस पर्टिकुलर सिस्टम की आईपी एड्रेस, क्योंकि नेम नहीं पता तो आप आईपी निकालेंगे. नेम पता है तो आईपी निकाल देंगे, आईपी पता है तो नेम निकाल देंगे. एंड इट इज यूज फॉर टू रिलीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग DNS. रिलीज कैशे ऑफ एग्जिस्टिंग DNS. जो भी एग्जिस्टिंग DNS है उसके कैशे को रिमूव करने के लिए इसका काम होता है. और ये है रजिस्टर न्यू DNS टू क्लाइंट PC. दिस इज ऑल अबाउट द DNS एक्टिविटी. उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा. कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है, प्लीज लेट मी नो एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू. दैट्स इट गाइस, लेट्स कनेक्ट इन अवर अनदर वीडियो. टेक केयर, बाय बाय. डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. बाय बाय.